सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75 एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सर सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि सर आ सकता है फिर से रिपीट हो गया तो क्या करेंगे। देखिए तो आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बोल रहे हैं ना कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का ₹75 है। अब उसको जितना गेन हो रहा है, जितना परसेंट गेन हो रहा है, उतना ही आपका कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए। ठीक है तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, समझ में आई गया होगा, नहीं आया तो अभी क्वेश्चन बनाते हुए आ जाएगा। लेट द कॉस्ट प्राइस यानी कि CPBX है ना, अब CP जितना है उतना ही परसेंट वो गेन कर रहा है, यानी कि देन द जी परसेंट लिखते हैं गेन परसेंट को, है ना, गेन परसेंट विल बी क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, आपको बोले जितना सीपी है उतना ही परसेंट वो गेन कर रहा है, तो एक्स परसेंट गेन कर जाएगा। समझ में आया, कुछ है क्या, है क्या, अगर कुछ है तो बता दीजिए, अभी बता दीजिए, नहीं है ना, नहीं है सर कुछ। देयरफॉर अब और गिवन भी है सर, आपको गिवन क्या है सर, गिवन आपको है एसपी, एसपी इज इक्वल टू क्या आपको गिवन है सर, एसपी ₹75। बढ़िया से लिखेंगे, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से बनाएंगे, 2011 में आया है, इज्जत देंगे क्वेश्चन को, इज्जत। ठीक है बिल्कुल सर, समझ गया। अब देखिए अब वी नो, हम जानते हैं क्या भैया, क्या जानते हो भैया तुम, हम जानते हैं कि एसपी का फॉर्मूला होता है कि 100 प्लस गेन परसेंट है ना बाय 100 इनटू क्या सर, सीपी है ना सर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है जी परसेंट लिखे आप कुछ भी लिख सकते हैं, पूरा लिख दीजिए गेन परसेंट, हमको क्या ही मतलब है, मतलब गेन परसेंट पूरा पूरा गेन परसेंट आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स पुट कर दीजिएगा, है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, एक्स परसेंट मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि हमारा एक्स, अब देखिए जितना भी दिया होगा तो परसेंटेज में दिया होगा ना, है ना, तो जी परसेंट पूरा जितना परसेंट है वो लिख देना है, पता ही है वैसे आप लोगों को, ज्यादा बहस नहीं करते हैं। एसपी कितना दिया है 75 सर, सॉल्व करते हैं अब, 100 प्लस गेन परसेंट आपको कितना दिया, एक्स दिया है सर, एक्स लग दिया कोई दिक्कत नहीं है, अब 100 है नीचे तो 100 रख दिया कोई दिक्कत नहीं है, अब सीपी क्या है सर, सीपी जो गेन परसेंट है वही तो सीपी है यानी कि एक्स है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बन जाएगा क्वेश्चन, बच्चे की तरह है ना, हाँ, एक्स इंटू 100 एक्स 100 यानी कि 100x प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर बाय 100 था, 100 यहाँ के जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 75 × 100 हो गया। इक्वेशन थोड़ा लेंदी लग रहा है लेकिन बन जाएगा बच्चे की तरह। अब देखिए ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 ठीक है इज इक्वल टू 0, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। इतना समझ में आया, आ ही गया होगा क्या ही है सर समझने लायक। अब देखिए अब आपको 75 का दो ऐसा फैक्टर लिखना है जिसका सब्सट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है तो सब्सट्रैक्शन आपका 100 आ जाए, तो 15×5 = 75 होता है सर। 15×5 = 75 आपको 20 चाहिए, 20 लगा दीजिए, 7500 हो गया है ना, सॉरी हाँ सही है 75 सर, क्या बोल रहे हैं सर, क्या ही बोल रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए एक्स है और दोनों को माइनस कीजिएगा 100 ही आएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। समझ में आया सर, कितनी आसानी से बन गया, बच्चा वाला क्वेश्चन था, x x दोनों में है तो x को कॉमन ले लीजिए, इधर करके बनाना था मुझे, x को आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 150 बच गया सर, बिल्कुल बच गया। अब यहाँ क्या बच गया, माइनस भी है और 50 भी है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 50 को आपने जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर में फिर से x प्लस 150 बच गया सर, ठीक है इज इक्वल टू 0 आपका, चल ही रहा है क्या ही दिक्कत है। ठीक है अब यहाँ पे x प्लस 150 x प्लस 150 को कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, x माइनस 50 ठीक है ना, हाँ सर इज इक्वल टू 0, यहाँ से दूसरा चल रहा है अपना। ठीक है बिल्कुल सर, समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग तेज हैं सर मुझे पता है। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी 0 के बराबर होता है तो आइदर और कंडीशन लगाते हैं, आइदर x प्लस 150 इक्वल्स 0 और x माइनस 50 इक्वल्स 0,
x इज इक्वल टू 50 आपका आंसर आ गया। क्यों सर, आप बोलिएगा इसको क्यों नहीं सॉल्व किया। सर यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू माइनस 150 आया सर, माइनस को आप लोग ले ही नहीं सकते क्योंकि CP माइनस में होगा ही नहीं। कोई ऐसा होगा कि आएगा आपके दुकान पे बोलेगा सर हमको आर्टिकल नहीं चाहिए, आर्टिकल आप अपना रखो 150 रुपया भी रख लो, उसको सजा दीजिएगा आप मेरे लिए, ठीक है, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। तो x इज इक्वल टू 50 आ गया और 50% ही उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको। अब देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37, चलिए बढ़ते हैं आगे।